अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ। जो भी चोट लगती है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हादसा हुआ लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये देखे मेरी बेगम देख के परेशान हो गई और क्योंकि हमने आपको बोला था कि जो बैग की सूरत हाल है उसकी जो लैन है पीछे जब हादसा हुआ था मेरा, आपने वीडियो देखी जो मेरे साथ जुड़े हुए बहन भाई पहले से ही जो चले आ रहे हैं साथ, जो एक माह कबल पहले मेरा हादसा हुआ था उस वक्त जो मैं ठीक होते थे अभी ठीक हुआ और उस दौरान जो हादसा हुआ बैग का अच्छा खासा नुकसान हुआ और उसके बाद आज फिर हुआ है। ये देख ले ये नुकसान ये अपना निशाना था आपको नजर आ रहे हैं और हम असल में मुकम्मल आपको ये वीडियो में सूरत हाल नहीं दिखा सकते और ना ही इनके लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जरा यूट्यूब जो है उसकी जो पॉलिसी है या टिकटॉक की पॉलिसी है तो वो इसके खिलाफ यानी कि खून खराबा या दीगर इस तरह की चीज़ें दिखाने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला ने फजल किया करम किया और बेगम कहती है गाड़ी और लेवा के गाड़ियों तो घर तहफ़ मिलता है सुकून मिलता है तहफ़ मिलता है और ये मेरे एक एक अंगूठे जो बचे हुए हैं इससे मैं जो अपनी हेल्प वगैरह लेता हूँ, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अपने ऐसे हादसे में यही डैमेज हो जाए या ख़त्म हो जाए क्योंकि ये क्या चीज़ है, इंसान तो कुछ भी नहीं है ना, तो ख़त्म हो गया तो मैं तो अपना जो खाना पीना है अपने आप को संभालना वाशरूम जाना आना जो हम अपने आप को संभाला हुआ मैं इससे भी जाता रहूँगा। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छे इंतजाम करे दुनिया और आखिरत की बेहतरी का फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं विवाल, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं है अल्लाह को खुशियाँ दे सलामती दे दुनिया और आखिरत की भलाई दे कामयाबियाँ दे और कोई गम ना हो और जो प्यारे दुनिया फानी से जा चुके अल्लाह उन सबकी मकर फरमाए दर्जा बुलंद करे वर्षा को सब्र जमीन अता करे और नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे आखिरत में भी अच्छा दे। जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सेहत शफा दे खुशियाँ दे सलामती दे कोई गम ना हो। आज के व्लॉग का हम आगाज करते हैं मैंने सुबह सुबह नमाज पढ़ के और उसके बाद तिलावत सूरत यासीन की करके अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा पढ़ के, यानी कि अव्वल पढ़ा हुआ है आखिर पढ़ना है, अभी पढ़ा नहीं है आखिर पढ़ना है इंशाल्लाह। तो मैं किसी काम पे चला गया सुबह सुबह लेकिन बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि चीनी ख़त्म हो गई, अब चाय के देश के ऊपर रखी हुई है चीनी नहीं है, चीनी नहीं है तो आज चाय जो है ना हम फीकी पियेंगे फीकी बगैर चीनी के, ठीक है। मुझे बताते हैं ये बताया नहीं है क्योंकि बता देते तो अच्छा था क्योंकि मैं दार वाली साइड पर गया हुआ था और अभी वापस आया हूँ क्योंकि आपने देखा है कि अक्सर जब मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं तो मैं हमेशा जानवास के ऊपर ही बैठा होता हूँ। तो आज जो है आपने देखा मैं जानवाज पर नहीं हूँ, ऐसी तरह चार भी बैठा हूँ जानवाज को बकायदा उधर खड़ा किया मैंने और जबकि पहले ये होता था कि जब सुबह सुबह काम नहीं जाना तो फिर मैं इसी तरह जानवाज पर बैठा रहता था और यहीं बैठ के आपने वीडियो मुकम्मल करनी नाश्ता मुकम्मल करना और टांगे पहननी पहन कर फिर जो है मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने चला जाता हूँ। लेकिन ये देखे मेरे शुरू की हालत सुबह सुबह इधर आओ बेटा मिट्टी खाका देखे ये शबनम पड़ती है जो सड़क रास्ते वगैरह के ऊपर तो मोटरसाइकिल बैग के ऊपर जब मैं सफर कर रहा था हल्की हल्की मिट्टी उड़ उड़ के जो है ना इस पर आके पड़ी है। आज ये देखे लकड़ियाँ हमारे ये जो लकड़ियाँ हैं ये कपास की होती है छुट्टियाँ कपास की छुट्टी जो है वो आसानी के साथ और दूसरा ये चूल्हे के ऊपर देखे सूरत हाल के इसने जो है ना वो रखी है अपना कुंडी लोहे की साथ ईटे ताकि देश की इसके अंदर ना जाए, देश की है छोटी बड़ी देश की के बीच में क्या असल में सूरत हाल ये है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी तरह बेटा करो सूरत हाल ये है कि इस बेचारी को नींद आऊँ ये सुनती नहीं है बोलती नहीं क्योंकि गूंगी बह रही है बेचारी कहना भी नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये जो तंदूरी लगाई हुई है ना यहाँ पे ठीक है ये ख़राब हो चुकी है मैं मानता हूँ इसको हमने चेंज करना है लेकिन अब है सर्दियों का मौसम अब हमेशा गांव के बीच में विलेज के अंदर ना वो दूसरा चूल्हा होता है ऐसे बड़ा वो यानी कि बने बनाए मिलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आज कल मैंने कोशिश की थी लेकिन कल से जुम्मे छुट्टी थी
ठीक है जी, शॉप बंद थी यहाँ पे, जो हमारे विलेज में एक शॉप है तकरीबन यहाँ से 6-7 किलोमीटर का सफर है। अच्छा वो शॉप बंद थी, हालांकि मैं 3-4 दफा मेरा रूटीन के चक्कर भी लगा उस साइड में, वो बंद थी। तो उस सूरत में वापस जो है मैं वापस आ गया। आज मैं पता करता हूँ अगर बना बनाया वहाँ से मिलता है, अगर वो हमें पसंद आता है तो मैं ले आऊँगा और वहाँ से लगा देंगे। और बच्ची को कौन सी ली है? अपनी अम्मी को पिला दो जी, अपनी अम्मी को पिला दो फौरी तौर पर, चाय सारे की। अब जो है सोचा नाश्ता तो बनने जा रहा है, लेकिन यह कि तंदूरी की बात कर रहा था। दरअसल उस इस तरह की जो है ना सीधी सी बात है, लकड़ियाँ बहुत खर्च होती हैं, बहुत खर्च होती हैं, क्योंकि तंदूरी पे भी रोटियां पकाते हैं, साथ सालन बनाना होता है, लेकिन बहुत खर्च हो जाती है, हमारा नुकसान होता है सूरत में। इससे बेचारी को क्या ही लगा, वो मौसम सर्द जो आ रहा है उसमें तवे वाली जो रोटी होती है ना, बड़ा तवा जो होता है उस पर बैक वक्त जो है ना 5-5 रोटियाँ पक जाती हैं, 6 भी पक जाती हैं, यानी कि उसको जितना बड़ा लेंगे उतना ही फायदा है। लेकिन ये है कि हाँ वो देखें कि मुनाफे हिसाब से तवा भी लेना है, कम अज़ कम वो बड़ा महंगा आएगा, क्योंकि ये जो तवा है ना दूसरा आम वाला यही तो कम अज़ कम 3,000 के आसपास होगा आजकल, क्योंकि जब ये लिया था हमने ये भी उस वक्त बड़ा महंगा लिया। तवा देखो भाई बेटा, तवा तलाश करो जल्दी करो, किधर है उसको जो है ना अपना धुलाई करो। ये देखिए ये तवा जो है ये भी कम अज़ कम 3,000 रुपये के आसपास का है, और जब इससे बड़ा लेंगे और मैं 5,000 की बात कर रहा हूँ, इससे भी महंगा लग रहा है मुझे, क्योंकि महंगा मिलेगा। बहरहाल करते हैं इंशाल्लाह जी इंतज़ार, 1-2 रोज में इंशाल्लाह जी इसको मैं फाइनल करवाता हूँ, आपसे वादा रहा 1-2 रोज में इंशाल्लाह फाइनल करवाता हूँ मैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, अब तो शाम हो चुकी है, कुछ वीडियो सुबह की हमने बनाई थी, और हादसा मेरा जो है तकरीबन कोई दिन को हुआ है, लेकिन घर पे मैं आया हूँ जब आप, तो अब आकर मैंने उस क्लिप को बीच में ऐड कर रहा हूँ जो मेरा हादसा हुआ है। ठीक है जी, हादसा हुआ है अलग, पहले जब हुआ था ये निशाना देख रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे, यहाँ पर था वो, अब नज़र नहीं आता बालों के बीच में, बालों की वजह से छुप गया। अल्लाह ताला फजल करे और करम करे और किसी का मोहताज भी न करे और हादसा से बचाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हादसा से बचाए। और सर्दियाँ जो है शुरू हो चुकी हैं, अल्लाह खैर करे, हमारा जो है ना वक्त रात को जो है ना ये ठंड में पड़ा रहता है, ठंड के अंदर मेरे बच्चा प्यारा, एक तो ये कपड़े जो पहने हुए ना इसने, ये है पतले मोटे कपड़े हो ना गर्म, वो पहन ले, दूसरा सब कुछ तापस मिल जाता है। होता ये है कि दरअसल रात को जब सोते हैं ना 4 बजे तो साथ ही है रूम के अंदर, लेकिन ये कि बेगम ये रोते हैं या आमना रोती, क्योंकि वो छोटे हैं ज़ाहिर है बच्चे हैं अभी, तो इन्होंने जो है अपना जब रो रहे होते हैं तो मेरी आँख खुल जाती है, फिर मैं देखता हूँ उनके ऊपर बिस्तर नहीं है, फिर मैं उठता हूँ बिस्तर इनके ऊपर देता हूँ, क्योंकि इनकी माँ तो सुनती नहीं, इसलिए तो पता ही नहीं होता कि क्या कोई रो रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, कोई बुला रहा है या क्या हो रहा है, क्या नहीं, इससे कोई खबर भी नहीं होती। और वो अपने बच्चे को बोल रही है कि तभी तो दीवार के साथ खड़ा करो और प्लेट लेके रहो चाय के ऊपर जो है ना, देश की कपड़ बैठा जरा चाय दिखाओ करीबे कि चाय बन रही है, उबाले पे उबाला दी जा रही है, और ये फीकी चाय, आज फीकी चाय है, ये चीनी नहीं है, इंशाल्लाह चीनी भी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं, हादसे के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसकी मेहरबानियाँ अल्लाह ने बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम चाहते हैं कि अपना हमारे लिए अपने एक गाड़ी का इंतजाम हो जाए ना, ताकि तहफ़ के साथ जाए, सेफ्टी है उसमें, हिफाजत है, छोटी मोटी ये जो चोटे हैं ना यकीन जाने ये बड़ा कुछ कर जाती हैं, बहुत कुछ कर जाती हैं। अगर मैं दुनिया से जाना तो है, खुदा ना खास्ता में चला गया मेरे बच्चों का क्या होगा, वैसे मुझे बच्चों की बड़ी फिक्र लगी रहती है कि इनका क्या बनेगा, ना तो ये बोल सकती है, ना बता सकती है, ना सुन सकती है। अल्लाह फजल करे, रहमत करे, आमीन। और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।